अंकुरित दालों के लिए बहुत सारे लोग मुझे इंक्वायरी करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए अंकुरित दाल हमारे लिए कैसा रहेगा, अंकुरित कोई भी चीज़ कैसा रहेगा। अंकुरित को हमारे अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं स्प्राउट, स्प्राउटेड ग्रेन्स बोल दीजिए, स्प्राउटेड दाल बोल दीजिए, स्प्राउटेड स्प्राउटेड लेंटिल बोल दीजिए। तो ये किया कैसे जाता है पहले तो आपको मैं बता दूं। इसको यूजुअली हम लोग दाल को या जिस चीज़ का भी स्प्राउट बनाना है उसको भिगो के रखते हैं, वो थोड़ा यूज़फुल हो जाता है, भीगने से वो थोड़ा उसका साइज़ बढ़ जाता है, उसके अंदर हवा पानी घुसती है और वो जर्मिनेट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसको अगर पानी में ही रखे रहेंगे तो स्प्राउट नहीं होगा, इसको फिर बाहर ला के इसमें थोड़ा पानी का छींटा दिया जाता है और इसको बांध के रख दिया जाए तो बहुत अच्छा स्प्राउटिंग होती है। स्प्राउटिंग बहुत ठंडे में कम होती है पर गर्मी के वक्त स्प्राउटिंग बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो याद रखिए थोड़ा सा कहीं गर्म जगह हो वहाँ पे रख दीजिएगा तो स्प्राउट बहुत जल्दी होता है, उसमें अंकुरित चीज़ें निकलने लगती है। अब स्प्राउट क्या क्या फ़ायदा करता है, स्प्राउट बहुत फ़ायदे का चीज़ है बिकॉज़ इसमें सबसे बड़ा है इम्यूनिटी वर्धक एजेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं। आपको मालूम है हमारे कोई भी चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा रोल है। एंटीऑक्सीडेंट हमें वायरल लोड, हमारे वायरल बैक्टीरियल कैंसर सबको रोकने का काम करता है। तो स्प्राउट्स बनते ही 20 गुना फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट हमारे खाने में बढ़ जाता है, 20 टाइम्स इंक्रीज़ होती है फ्री रेडिकल जैसे ही वो जर्मिनेट कर जाती है, जैसे ही उसके वो स्प्राउट उगने लगते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। स्प्राउट में आपको मालूम है फाइबर काफ़ी होता है और स्प्राउट में विटामिन ए बी सी ई ये चारों विटामिन होती है। विटामिन सी ज़्यादा होने से हमारे बोन्स को मदद मिलती है और स्प्राउट में प्रोटीन भी काफ़ी होती है, तो जिनको भी प्रोटीन की कमी है, जिनको मसल बिल्डिंग करना है, उनके लिए स्प्राउट काफ़ी अच्छी मानी जाती है। स्प्राउट में सबसे बढ़िया होता है कि इसमें विटामिन ए भी होता है जिससे हमारे आँख की पावर इम्प्रूव करती है। स्प्राउट खाना हर दिन आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत बॉडी को एनर्जी मिलेगा, बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा, तो आप स्प्राउट ज़रूर खाइए। स्प्राउट एक नुकसान, कभी कभी नुकसान तो मैं नहीं बोलूँगा, स्प्राउट्स में कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर स्प्राउट से बहुत गैस पैदा होता है और उनको नीचे से हवा पास होती है तो ये कुछ लोगों को होता है स्प्राउट से, पर अगर ऐसा होता है तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आप स्प्राउट को बनाने के बाद उबाल के भी ले सकते हैं। स्प्राउट किस किस चीज़ का बन जाता है, देखिए सबसे कॉमन स्प्राउट तो काला चने का बनता है और मैंने देखा मूंग और मोठ इनके स्प्राउट बहुत कॉमन है, ये तीन तो हम लोग बहुत कॉमनली मिलता है। पर आपको मैं बता दूं राजमा का, मटर का, गेहूं का, सोयाबीन का और उड़द दाल का, ये जो भी छिलके वाले दालें हैं सब की स्प्राउट बना सकते हैं। तो राजमा का स्प्राउट आप खा के देखिए, गेहूं का स्प्राउट बहुत ज़बरदस्त होता है, गेहूं को स्प्राउट करके अगर उसको सुखा के उसका आटा बनाते हैं तो उसमें बहुत गुना आपकी एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाती है, उसका हेल्थ जो गिविंग पावर है वो डबल हो जाती है। तो याद रखिएगा गेहूं का स्प्राउट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ज़रूर, आप अगर खाली चना खाते हैं उससे अच्छा स्प्राउट करके खाइए, उसमें हेल्थ आपको बड़ा फ़ायदा करेगा, हेल्थ में प्रोटीन मिलेगी, तो स्प्राउट आप ज़रूर लीजिए। पर हाँ एक बात बता दूँ, स्प्राउट में कैलोरीज होता है तो जिनको वज़न कम करना है वो स्प्राउट कम लें। उनको मैं क्या बोलता हूँ, आप स्प्राउट तो 1 चम्मच लीजिए, उसमें 2 चम्मच खीरा डालिए, 2 चम्मच गाजर डालिए, 2 चम्मच टमाटर डालिए, तो क्या हो गया आपके कैलोरीज कम हो गए। तो अगर स्प्राउट आपको लेना है तो बहुत सारा वेजिटेबल के साथ मिला के लीजिए, स्पेशली जब आप वज़न कम कम करना चाहते हैं तो स्प्राउट को हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। हार्ट हेल्दी है स्प्राउट, हार्ट हेल्दी है, डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदा करता है, तो अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको हार्ट की बीमारी है तो स्प्राउट लेने का आदत डालिए। बस वज़न जिनका ज़्यादा है उनको स्प्राउट का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए। एनीवे इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों को बताइए स्प्राउट्स के बारे में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है डॉक्टर बिमल छाजड़, मैं हार्ट का इलाज करता हूँ बिना ऑपरेशन के, बिना बाईपास सर्जरी के, बिना एंजियोप्लास्टी के। थैंक यू सो मच।